बीजेपी ने राज्यसभा के लिए यूपी से 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सूची में फिलहाल कोई पैराशूट चेहरा नहीं है, सभी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। सूची में जिन नामों को जगह दी गई है उनमें से 7 में से 6 नाम संगठन या सदन में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उम्मीदवारों के नामों के जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरण तो साधे ही हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने की भी कोशिश की है। सूची में पिछली बार के 9 में से 8 चेहरे जगह नहीं पा सके, सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया। पिछली बार आंध्र प्रदेश के जेवीएल नरसिम्हा राव को यूपी से राज्यसभा भेजा गया था। बीजेपी ने इस बार पूर्वांचल से 4 प्रत्याशी, 2 पश्चिम से और 1 अवध क्षेत्र से बनाया है। इस बार सूची में जातीय समीकरण साधने के लिए सबसे ज्यादा सीटें पिछड़ों को दी गई। इनमें 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 क्षत्रिय के अलावा 4 पिछड़ों, जिसमें 1 कुर्मी और 1 मौर्य, 1 जाट और 1 बिंद को जगह दी गई। सूची में इस बार 2 ब्राह्मणों अशोक वाजपेयी और सुधांशु त्रिवेदी की बजाय 1 को ही जगह दी गई। वहीं 1 भी दलित, राजभर और यादव शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आने के बाद अब दूसरी पिछड़ी जातियों को तरजीह दी जा रही है। तेजवीर सिंह जाट बिरादरी के हैं, वो मथुरा से टिकट चाह रहे थे लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश संगठन में 2 बार महामंत्री रह चुके अमरपाल मौर्य कभी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के करीबी माने जाते थे। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले अमरपाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी करीबी। 2022 में उन्हें बीजेपी ने ऊंचाहार से टिकट दिया था पर वो हार गए थे। इस बार वो फिर से प्रदेश महामंत्री बनाए गए थे। वो कई अभियानों के प्रभारी भी रहे। पिछड़े वर्ग से आने वाले अमरपाल को इस बार राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व सहकोषाध्यक्ष नवीन जैन आगरा के मेयर रह चुके हैं। इस बार सीट रिजर्व होने की वजह से उन्हें मेयर का टिकट नहीं मिला था। आगरा एक्सप्रेसवे बनाने वाले और एक निर्माण कंपनी के अगुआ नवीन जैन पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। संगीता बलवंत बिंद भी अति पिछड़ी वर्ग से आती हैं। उन्हें भी प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने पार्टी में संगठन में काम करने वाले धीरज न खोने वालों को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। भाजपा ने 2022 के चुनाव में चंदौली के मुगलसराय से प्रत्याशी रही साधना सिंह का टिकट काटकर रमेश जायसवाल को प्रत्याशी बना दिया है। क्षत्रिय बिरादरी से आने वाली साधना सिंह ने धैर्य नहीं खोया और पार्टी के लिए काम करती रही। उन्होंने अपनी राजनीति व्यापारी संगठनों के लिए काम करके शुरू की थी। कांग्रेस छोड़कर 2022 में बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वो कुशीनगर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी ने कांग्रेस से आए आरपीएन को राज्यसभा भेजकर ये जताने की कोशिश की है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करती है। अब माना जा रहा है कि कुशीनगर से पार्टी अपने ही किसी चेहरे को चुनाव लड़ाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।